तो गाइस ये मेरा पहले का घर था। सो गाइस कैसे हैं आप सब। आज हमारा क्या है भवनगमा। तो गाइस मैं आ रखा हूँ भवनगमा। पहले तो मैं अपने ददियाल दादी के यहाँ जो है मेरा मुजफ्फरपुर में, आज मैं आया हूँ यहाँ पर अपनी नानी के यहाँ। ये मेरा मामा है, ये सारे मेरे मामा हैं तो इनके यहाँ रखा हूँ। तो आज मैं यहाँ की लोकेशन दिखाऊँगा आपको, कितनी अच्छी है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको। गाइस देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी हरियाली है, दिखाओ पूरा दिखाओ, कितना प्यारा व्यू है गाइस। ये बहुत कम मिलता है चांस यहाँ पर आने का। तो मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ ब्लॉग बना के अच्छी अच्छी लोकेशन आपको दिखाई जाए। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये है मेरे मामा की बाइक क्यों भाई। ये देखो गाइस एक नंबर हो गया चालू करना पूरा दिखा, गिर जाऊँ ना साला टायरिंग री सब टूट गया दीनी का। व्हाट गेटिंग का गाइस आप सब मत करना, ये बहुत खतरा है इसमें नी। हाँ सो गाइस देखिए ये मैंने भैया को बुलाया। बीच में ले चले ना, बीच में आपका नाम क्या है? राजू। गाइस बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर बैठ के देखते पीछे भी, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर गाइस। कितना गहरा होगा अंकल ये? जितना बड़ा डंडा है उतना है। आप तो तैर लेते होगे इसमें। तो
इधर को तो पानी चलता है ना, इधर को गाइस देखिए। गाइस बहुत मजा आया मुझे बैठ के, तो मैंने नाव भी चलाई पहली बार और मैंने अंकल को सिर्फ 50 रुपये दिए। अंकल ने कहा कोई बात नहीं बेटा मत दो, मैंने कहा तब भी अंकल जी रख लो, 50 रुपये में क्या है। बहुत मेहनत की थी, वहाँ तक तो घुमाया मुझे पूरा। गाइस यहाँ का कोटा तो पूरा हो चुका है, अब देखते हैं बिहार में और कौन कौन सी जगह है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की भी लोकेशन आपको दिखाएंगे हम। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार, आज का दिन पूरा मतलब मज़ेदार रहा मेरा बहुत ज़्यादा। ये देखिए सो गाइस हमारे क्या सिमली मार्केट आज, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे गाइस, थकने के बाद हम सो के उठे और अब आ जाए हम सिमली मार्केट। सिमली मार्केट में भाई को भूख लग रही थी, कह रहा भाई सब हो सके ला दें, ये भाई भी आए हमसे मिलने के लिए सब्सक्राइबर अपने, तो मिल गए। तो अभी हम खाने जा रहे हैं समोसे। सो गाइस हमारा समोसा आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा समोसा हमारा। देखिए गाइस कितना अच्छा समोसा लग रहा है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे समोसा कैसा है कैसा नहीं। सो गाइस लोकल से पता चला है कि यहाँ पे पंच रसगुल्ला भी बहुत अच्छा मिलता है। समोसा तो एवरेज था, ओके एवरेज था, लेकिन अभी यहाँ पंच रसगुल्ला भी मिलता है, देखते हैं कैसा है। सो गाइस हम लोग को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग ने 5 और मंगा लिया। इसको यहाँ कहते हैं स्पंज रसगुल्ला, क्योंकि इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, एकदम मस्त है। दूसरे जगह का हम लोग खाते हैं तो वो खट्टा खट्टा रहता है, लेकिन यहाँ का एकदम मस्त लग रहा है, फ्रेश फ्रेश। ठीक है गाइस। ये मेरा पहले का घर था जहाँ पर मेरी अम्मी अब्बू रहते थे, ये देख सकते हैं आप। फिर यहाँ से हम दिल्ली चले गए थे।